एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राज्य भर के 127 शिक्षकों पर कार्रवाई तय। विभागीय आदेश की अवहेलना करने वाले राज्य के 127 स्कूली शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई तय मानी जा रही है। ये वैसे शिक्षक हैं जो संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक पदस्थापना वाले विद्यालय में तत्काल प्रभाव से योगदान करने को कहा गया था। देखेंगे वीडियो को विस्तार से, उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सितंबर के अंत तक विभागीय समीक्षा में यह स्पष्ट था कि 27 सितंबर तक 127 शिक्षकों ने मूल पद पर योगदान नहीं किया था। विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। निलंबन से लेकर आदेश के अवहेलना चलते इन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन भी लिया जा सकता है। इनकी वजह से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण पूछने की शुरुआत की जा चुकी है। शिक्षा विभाग तक निरंतर शिकायत आ रही है कि शिक्षा विभाग तक निरंतर शिकायत आ रही थी कि शिक्षा संकुल संसाधन केंद्र में बतौर समन्वयक वर्षों से पदस्थापना कराकर जमे हैं। अपने मूल काम बच्चों को पढ़ाए बिना ही उन्हें वेतन मिल रहा है। ऐसे शिक्षकों की संख्या राज्य भर में 5317 थी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 2 सितंबर को इन सभी 5317 का पदस्थापना रद्द करते हुए मूल विद्यालय में योगदान कर बच्चों को पढ़ाने के कार्य में लग जाने का आदेश दिया। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इसे सुनिश्चित कराते हुए 16 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा था। इसके बाद रिपोर्ट मुख्यालय में आई कि 5190 शिक्षकों ने ही मूल विद्यालय में योगदान दिया। सीआरसीसी ने अपना प्रभार 4827 ने ही सौंपा, अर्थात 313 ऐसे समन्वयक 27 सितंबर तक थे जिन्होंने अपना प्रभार नहीं सौंपा था पर वे मूल विद्यालय लौट गए थे। अब इस सप्ताह इस मामले की समीक्षा होगी। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और निष्ठा 3.0 का वीडियो देखना न भूले। धन्यवाद।